हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी अग्रवाल फ्रॉम मलेरकोटला। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तुम अपना अपनी फैमिली का ध्यान बहुत वधिया ढंग नाल रख रहे होंगे तो बहुत वधिया ढंग नाल तुम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। सो जेड़े भी स्टूडेंट्स PPSC के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिदे विच रीजनिंग या मैथमैटिक्स सिलेबस हुंदा है, उदे विच सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जेड़ा है वो अर्थमैटिक रीजनिंग नू मन्या जांदा है, बिकॉज एदे विचों हमेशा दो या तीन क्वेश्चन आंदे ही आंदे हैं। ओके, सो जेड़े भी स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल हैडमास्टर BPO का एग्जाम देना है, PCS का एग्जाम देना है या फिर फंक्शनल मैनेजर का एग्जाम देना है, उन्होंने ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करांगे अर्थमैटिक रीजनिंग दे। सो स्टार्ट करते हैं अज की डिस्कशन। सब तो पहला क्वेश्चन है, अ मंकी क्लाइम 30 feet एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल वैन ही स्लिप्स बैक 20 feet बिफोर ही अगेन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग इन द बिगनिंग ऑफ द नैक्सट आर। कहिंदा कोई मंकी है, जिहड़ा वो मंकी है वह की करता है, वह 30 feet क्लाइंब करता है हरेक घंटे की शुरुआत दे विच। जिवें सपोज मंकी उरे है, तो जदों कोई भी घंटा स्टार्ट हुंदा है तो वह हरेक घंटे की स्टार्ट दे विच 30 feet जिहड़ा है वह उपर क्लाइंब करता है। ठीक है, फिर वो जो उपर पहुँचता 30 feet उतने थोड़ी देर रेस्ट लैन लग जाता है, तो करके वह नीचे आ जाता है किन्ना 20 feet। ओके, सो अगर आप ओवरऑल देखिए तो 1 hour दे विच जो मंकी है उन्हें किन्ना क्लाइंब किया, एक्चुअल दे विच 10 feet किया ना, क्योंकि 30 feet उन्हें पहला किया बट जो रेस्ट लैन लग गया तो 20 feet नीचे आ गया, तो उन्हें एक्चुअल दे विच किन्ना किया, आ जिहड़ा 10 feet बचे यही किया। आई होप थोनू समझ आ गया होगा। ओके, तो अगे उन्हें की लिखा होया कि यह तो आप एक घंटे की गल कर ली, उन्हें कहा बिफोर ही अगेन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग इन द बिगनिंग ऑफ नैक्सट आर, तो हरेक अगले घंटे भी वह क्लाइंब करना एवं स्टार्ट कर देता है। इफ ही बिगिनस हिज एसेंट एट 8 AM, मतलब अगर उन्हें जी क्लाइंब करना स्टार्ट किया किन्ने बजे 8 AM, तो उन्हें क्लाइंब करना स्टार्ट किया, एट वट विल ही फस्ट टच अ फ्लैग एट 120 feet फ्रॉम द ग्राउंड। कोई फ्लैग जेड़ा कि 120 feet ते है, ठीक है, ओनू कदों टच करूगा। सो ग्राउंड तो जेड़ा फ्लैग 120 feet ते ओनू दसना भी वो कदों टच करूगा। हुण देखो जिवें कि मैं तुहानू दस्या कि एक घंटे दे विच ओह किन्ना क्लाइंब करदा है 10 feet। ओके, सो एक घंटे च 10 करदा है तो 2 घंटे च किन्ना करूगा 20। सिमिलरली आप एवें कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि 9 hours दे विच ओह किन्ना क्लाइंब करूगा 90 feet। आई होप पूरे तक थानू समझ लग गया होगा। ओके, हुण देखो जदों अपने कोल 10th hour आया, हुण वो सपोज 90 feet ते पहुँच गया, ठीक है, हुण जदों अगला घंटा स्टार्ट होया उन्हें फिर क्लाइंब करना स्टार्ट करता, 30 feet क्लाइंब करता है ना, सो जो उन्हें 30 feet क्लाइंब किया तो 120 ते तां पहुँच गया। ठीक है, फिर उत्थे रेस्ट करके नीचे थोड़ी आऊगा, बिकॉज उन्हें कहा ना अपन कि 120 feet ते है फ्लैग, तो वह कदों टच करूगा। सो जदों उन्हें 10th hour स्टार्ट होंदे 30 feet क्लाइंब किया तो 120 feet ते पहुँच गया। ओके, सो 9 hours तो आ लगे 90 feet नू पूरा करन दे लई, ते जिहड़े अगले 30 feet है उन्हां पूरा करन दे लई किन्ने लगे, उन्हों 1 hour होर लग्या। ओके, सो 9 + 1 hour मीनस टोटल उन्हों किन्ने घंटे लगे 10 hours। हुण आपां इहनू कैलकुलेट करदे हैं। देखो हुण उन्हें स्टार्ट किन्ने बजे किया सी 8 AM, ठीक है, हुण 8 AM दे विच तुसीं 10 hours जोड़ के देखो तो किन्ना होगा 6 PM। ओके, एक बार तुसी काउंट जरूर करके देखियो, तुहानू समझ लग जूगा कि टोटल जिहड़ी 120 feet दी क्लाइंबिंग है वह किन्नी देर च करूगा, 10 hours करूगा, किन्ने बजे पहुँचूगा वो उपर 6 PM। ओके, वो तो बाद सो नैक्सट क्वेश्चन है, बिटवीन 2 book ends इन योर स्टडी आर डिस्प्ले योर 5 favorite puzzle books। कहिंदा सपोज करो 2 book end दे विच थोड़ियां 5 favorite puzzle books पई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इफ यू डिसाइड टू अरेंज द 5 books इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड मूव जस्ट 1 book एवरी मिनट, हाउ लोंग वुड इट टेक यू। देखो कहिंदा सपोज हुण थोड़ी 5 जिहड़ी puzzle books हैं फेवरेट वो पईआं ने, ठीक है, तो अगर तुसीं सोचदे हो कि हर मिनट दे विच तुसीं बुक्स की अरेंजमेंट नू चेंज करोगे तो जिन्ने भी नंबर ऑफ टाइम्स पॉसीबल है इन्हां दी अरेंजमेंट वो तुसीं किन्ने देर च कर पाओगे, क्वेश्चन च बेसिकली ये चीज़ पूछी गई है। ओके,
सो हुण देखो इहनूं अगर आपां पोजिशन 1 लै लैंदे हां, इहनूं पोजिशन 2 लै लैंदे हां, इत्थे 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ठीक है। ए वाला सो हुण अपने कोल इह है बुक एंड। ओके हुण अगर आपां पोजिशन 1 ते देखिए, पोजिशन 1 ते आपां आ 50 बुक्स च कोई भी बुक रख सकदे हां ना, सो पोजिशन 1 ते आपां की लिखांगे 5, बिकॉज 50 चों कोई भी बुक आ सकदी है। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ 1 ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਕਿਊਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 4। ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 3, ਬਿਕੋਜ਼ 3 ਬੁੱਕਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2, 4th ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ 5th 'ਤੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਚਣਗੀਆਂ? 1। ओके हुण उहने आपां नूं पुछिआ ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसीबल वेज किन्ने आ जिहदे विच आपां अरेंज कर सकदे हां। सो आपां इहनूं मल्टीप्लाई करांगे, दैट इज़ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इहनूं जो तुसीं मल्टीप्लाई करोगे तां तुहाडे कोल किन्ना आऊगा? 120, ठीक है। हुण 120 मिनट्स आ गए, बिकॉज़ आपां हर मिनट दे विच चेंज कर रहे हां ना उहदी पोजीशन। आ देखो इत्थे लिखिआ होइआ। ओके हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा 1 आर हुंदा है उहदे विच किन्ने मिनट्स हुंदे हैं? 60 मिनट्स। ओके सो अगर तुसीं इह वाली स्टेटमेंट नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 आर इक्वल टू किन्ने होगे? 120 मिनट्स। सो 120 मिनट्स किहदे इक्वल आए? 2 आर्स दे। सो आंसर क्या आया? ए। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ओके नैक्सट है, अ मैन हैज़ 480 रुपीज़ इन द डिनोमीनेशनस ऑफ 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 480 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 480 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ? ਰੁਪੀ 1 ਦੇ ਨੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਪੀਜ਼ 5 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪੀਜ਼ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 1 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ 5 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦੇ ਵੀ ਐਕਸ ਨੋਟ ਹੈ, 5 ਦੇ ਵੀ ਐਕਸ ਨੋਟ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵੀ ਐਕਸ ਨੋਟ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਟਸ ਹੀ ਹੈਜ਼? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਐਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 50 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ 2 ਨੋਟ ਹੈ 20 ਰੁਪੀਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, 1 ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੈ? 1 ਪਲੱਸ 20 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੈ? 2। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ? 50 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1 × x ਪਲੱਸ 5 × x ਪਲੱਸ 10 × x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਈ? 480। ਓਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਐਕਸ ਪਲੱਸ 5x ਪਲੱਸ 10x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 480। ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ 16x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 480। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 16 ਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 30। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸ ਨੋਟ ਰੁਪੀ 1 ਦੇ ਨੇ, ਐਕਸ ਨੋਟ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਐਕਸ ਨੋਟ 10 ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 × 30। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 90। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਅ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ 3 ਟਾਈਮਸ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਨ। ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਲੈਟ ਏਜ ਆਫ ਸਨ ਕੀ ਲੈ ਲਈ? ਐਕਸ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ, 3x। ਓਕੇ ਦੈਨ 5 ਈਅਰਸ ਬੈਕ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ 4 ਟਾਈਮਸ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਐਕਸ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3x ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਈਅਰ ਬੈਕ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਘਟਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ 5 ਈਅਰ ਬੈਕ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਟਾਈਮ ਸੀ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਨ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ? 4 ਟਾਈਮਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? 4x ਮਾਈਨਸ 5 4 ਜ਼ਾ 20 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ
3x माइनस 5, ओके सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया ना, माइनस 5 प्लस 20 x की वैल्यू कितनी आ गई 15। इतने अपने को पूछा हुआ एज ऑफ सन, सो एज ऑफ सन कितनी आ गई 15 ईयर्स, सो आंसर क्या आया सी। ओके देन नेक्स्ट है रीना कट अ केक इनटू टू हाफ्स। रीना ने केक नो कट किया टू हाफ से विच। हम सपोज करो रीना कोल कोई केक है, वो केक नो उन्हें दो हाफ दे विच कट करता, ओके एंड कट्स वन हाफ इनटू स्मॉलर पीसिस ऑफ इक्वल साइज। हूँ जिमें सपोज उन्हें कोल दो हाफ ने, ठीक है, उन्हें एक हाफ नो की किया होर इक्वल साइजेस दे विच डिवाइड करता। ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज 20 ग्राम्स इन वेट। जेड़ा भी स्मॉल पीस है, ठीक है, वो किन्नी उदा वेट किन्ना 20 ग्राम्स। इफ शी हैज़ 7 पीसिस ऑफ केक इन ऑल विद हर, कंदा अगर उदे कोल 7 पीस है टोटल कट करन तो बाद, मतलब बड़े केक नू दो पार्ट्स डिवाइड करन तो बाद ते बाकी एक पार्ट नू फर्दर पार्ट्स डिवाइड करन तो बाद उदे कोल ओवरऑल किन्ने पीस है, टोटल 7 पीस है, ओके हाउ हैवी वॉज द ओरिजिनल केक। तो ओरिजिनल केक कितना हैवी होगा, हुण इहदे विच सब तो पहले तो आपां नूं ये पता करना पौगा या ये सोचना पौगा कि जेडे पार्ट्स उन्हें डिवाइड किए हो एक्चुअल च उन्हें किन्ने पार्ट्स डिवाइड किए होंगे। हुण देखो आपां नूं क्वेश्चन च दिता है कि टोटल 7 पार्ट्स हैं, अगर तुसीं ये वाले पार्ट नूं एक पार्ट लै लो, ठीक है, तो दूजे नूं कह दो कि उन्हें डिवाइड किया तो दूजे नूं 6 पार्ट्स ही करेगा, बिकॉज 6 पार्ट्स आ हो गए जेडे स्मॉल ने, ठीक है, तो एक बड़ा पार्ट हो गया, ओके तो हुण आपां नूं की दिता होया है कि जेड़े स्मॉल पार्ट हैं उन्हों का वेट किन्ना 20 ग्राम। सो हुन ईच स्मॉल का स्मॉल जेड़ा पार्ट है वह वेट किन्ना 20 ग्राम, तो 6 स्मॉल का किन्ना होगा, 6 ना मल्टीप्लाई करांगे ना 20 नू, सो किन्ना आ गया 120 ग्राम, यानी कि जेड़ा हाफ पार्ट है वह किन्ने दा है 120 ग्राम दा है। तो दूजा पार्ट भी सेम है बिकॉज उन्हें इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया सी, ता वाला भी किन्ना होगा जेड़ा बड़ा वाला पार्ट है 120 ग्राम, सो जेड़ा टोटल केक है उदा वेट किन्ना होगा 120 ग्राम प्लस 120 ग्राम इज इक्वल टू 240 ग्राम्स। ओके सो आंसर क्या आया डी। आई होप थोनू समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चनज हैं बट ये क्वेश्चनज दे नाल थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है एग्जाम दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए इज 3 ईयर्स ओल्डर टू बी एंड 3 ईयर्स यंगर टू सी। जेड़ा ए है वह बी दे नालों 3 साल बड़ा है, बी दी अगर एज बी है तो ए दी एज किन्नी होई 3 साल बड़ा है ना बी नालों, उन्हें नैक्सट की किया एंड 3 ईयर्स यंगर टू सी, तो जेड़ा ए है वह सी दे नालों 3 साल छोटा है, ओके वाइल बी एंड डी आर ट्विंस, यानी कि जिनी बी दी एज है उन्नी ही डी दी एज है क्योंकि दोनों ट्विंस हैं। हुण उन्हें अपने को इत्थे की पूछा होया हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर इज सी फ्रॉम डी, जिहड़ा सी और डी तो किन्ना बड़ा है। हुण देखो अगर तुसी आ दो स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखो 1 ते 2 नूं, तां तुसी इहनूं एवें लिख सकदे हो ना क्योंकि दोनों ए दे इक्वल हैं, तां तुसी इहनूं इक्वेट कर सकदे हो बी प्लस 3 इज इक्वल टू सी माइनस 3। हुण बी ते डी दी एज आपां नूं पता है सेम है, तां आपां बी लिखिए या डी लिखिए इक्को ही गल है, सो आपां इत्थे लिख लिया डी प्लस 3 इज इक्वल टू सी माइनस 3। ओके हुण अगर तुसी इहनूं करोगे डी नूं इधर शिफ्ट करोगे तो सी माइनस डी किन्ना आ गया, इधर जाके 6 हो जूगा ना क्योंकि 3 पॉजिटिव हो जूगा, सो यही उन्हें पूछा होया कि सी डी तो किन्ना बड़ा है 6 साल, सो आंसर क्या आया बी। ओके देन सो नेक्स्ट क्वेश्चन की है इन अ कारवां इन एडिशन टू 50 हैंस देयर आर 45 गोट्स एंड 8 कैमल्स विथ सम कीपर। कोई कारवां जा रहा है उहदे विच जिहड़ी टोटल हैंस है वह किन्नी है 50, ओके गोट्स किन्नी दित्ती हुई हैं 45 दे कैमल किन्ने दित्ते हुए हैं 8 ते कुछ अपने कोल कीपर्स हैं, कीपर्स कौन होंगे ह्यूमन्स होंगे, ओके सो वो आप ले लेने सपोज किन्ने हैं एक्स, ठीक है क्योंकि अपने कोल नंबर नहीं दिता हुआ। इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट इज 224 मोर दैन द नंबर ऑफ हैड्स, कहिंदा जेडे टोटल फीट हैं या तो आप ह्यूमन बीइंग्स दे लगाइए प्लस आप जिन्हें भी एनिमल्स हैं उन्होंने सब दे मिला के जेडे टोटल फीट हैं, ठीक है, वो हैड तो किन्ने ज़्यादा ने 224, तो अपन ने की करना है नंबर ऑफ हैड्स कढ़ने हैं, तो अपन ने की करना है नंबर ऑफ कीपर्स किन्ने हैं, ठीक है। हुण देखो हुण अगर तुसी फीट नू कैलकुलेट करोगे तो तुसी किवें करोगे, सब तो पहला हैन, हैन दे किन्ने होंदे हैं फीट 2, सो 50 इंटू 2,
ओके प्लस गोड दे 4 × 45 ओके प्लस कैमल दे 4 सो 4 × 8 प्लस कोई भी ह्यूमन बीइंग है किन्ने पे है ना थोड़े को 2 है ना सो 2 × x ये होगी फीट वाली स्टेटमेंट. दैन तुसे अगर हैड्स काउंट करोगे ये हैनवल है ठीक है ये तो अपने वैसे ही लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट दे विच लिखा हुआ है. सो अगर तुसी हैड्स काउंट करोगे तो हैन दे किन्ने है 1 होंगे सो 50 × 1 प्लस गोड का भी 1 = 45 × 1 प्लस कैमल का भी 1 = 8 × 1 प्लस ह्यूमन का इक्ो ही दिमाग है ना सो 1 × x ओके. सो इनू तुसी अगर स्टेटमेंट दे विच इत्थे फिल करोगे तो थोड़े को कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट बन जूगी 100 + 180 + 32 + 2x - आप सारी टर्म ले लेंगे 50 + 45 + 8 + x = 2 × 4. सो जो तुसी इत्थे x की वैल्यू कढ़ोगे इनू सॉल्व करके तो थोड़े को आंसर किन्ना होगा 15 ओके. सो कीपर्स किन्ने हैं डी दैट इज 15. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द नंबर विच वैन एडिड टू इटसेल्फ 13 times गिव 112. कहिंदा कोई ऐसा नंबर दसो अगर आपां उनू ऐड करांगे उहदे 13 times दे नाल तो अपने कोल 112 आऊगा. सो इहदे विच सब तो पहला लै लो लैट नंबर लै लिया एक्स ठीक है. हुण एक्स नूं आपां ने ऐड करना है 13 times ऑफ एक्स दे विच तो अपने कोल किन्ना आया 112 यानी कि 14x = 112. सो अगर तुसी इहनूं कट करोगे तो थोड़े को एक्स की वैल्यू किन्नी आ जूगी 8 ओके. सो नंबर की आया डी दैट इज 8. नेक्स्ट देखो अ फार्मर बिल्ट अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट. कोई फार्मर है उहदे कोल एवें स्क्वायर का कोई प्लॉट है ठीक है तो वह प्लॉट के अराउंड उन्हें फेंसिंग करनी है. सो आप इत्थे इहनूं अज्यूम कर लैने कि फेंसिंग है. ही यूज 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड. हुण स्क्वायर है तो ये आपां नूं पता जिहड़ी स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हुंदी हैं तो उन्हें कहा कि 27 फेंस इधर यूज कर रहा है दूसरी साइड ते थर्ड साइड ते ते फोर्थ मतलब चारों साइड्स ते वह किन्ने फेंस पोल्स यूज कर रहा है 27 ठीक है. हाउ मैनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टूगैदर तो उन्होंने टोटल किन्ने चाहिए होंगे. हुण मोस्टली स्टूडेंट्स की करेंगे अच्छा इधर 27 है इधर भी 27 है इधर भी सो 27 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करता ठीक है तो किन्ना हो गया 108 नूं आंसर नूं टिक लगायांगे बट यह चीज़ गलत हो जूगी. क्यों बिकॉज तुसी गलत ध्यान नाल सोचो जिहड़ी जिहड़ी पोल इत्थे यूज़ करांगे ए वाले कॉर्नर ते यूज़ करांगे ए वाले ते करांगे ते ए वाले मीनस जिहड़े भी आपां पोल्स नूं कॉर्नरस ते यूज़ कर रहे हैं चार दे चार ओह कॉमन हो गया ना. सो आपां इहदे विच 108 चों 4 नूं जरूर माइनस करांगे बिकॉज 4 पोल्स ऐसियां होणगियां जिहड़ियां कि कॉमन होणगियां. सो एक्चुअल दे विच आंसर किन्ना होगा 104 ओके. सो आंसर इहदा डी नहीं आएगा की आएगा सी. दैन नैक्सट देखो द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स. हुण सब तो पहला आपां लै लैने लैट नंबर ऑफ गर्ल्स किन्नी है एक्स तो बॉयज़ किन्ने होए 3x बिकॉज 3 times क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास. इन्हों विचों ऐसा केड़ा आंसर है जिहड़ा कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रजेंट नहीं करेगा. सो अगर तुसी टोटल चिल्ड्रन करोगे तो किन्ने होए बॉयज़ जिन्ने ने प्लस गर्ल्स जिन्हें ने दैट इज़ 3x + x = 4x. हुण तुसी गल ध्यान नाल इत्थे देखो जिहड़ा टोटल है ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਓਕੇ. ਸੋ 40 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੇ ਓਕੇ. ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 42 42 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ 42 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ. 11 ਤੇ ਹੋਊਗਾ 12 ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਬੀ ਓਕੇ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਆਪਾਂ
10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, थोनू 10 दे 10 क्वेश्चन अच्छे तरीके नाल समझ आ गए होंगे। सो चैनल उपर काफ़ी सारा मटीरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बारे में थोनू दसना चाहनी। सब तो पहला मैं गल करना चाहनी टेस्ट सीरीज़ की, PPSC प्रिंसिपल हैडमास्टर BPO ते फंक्शनल मैनेजर एग्जाम दे लई दोनों लई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ओके दी डिटेल्स तुसी 8054070091 दे उपर व्हाट्सएप करके या फिर mehnatibachche@gmail.com दे उपर ईमेल करके लै सकदे हो। फंक्शनल मैनेजर एग्जाम दे लई मैनेजमेंट टेक्निक दे नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी तुसी बाय कर सकदे हो। ते नाल ही तुसी आ सारी वीडियोज़ भी देख सकते हो, साइंस, पॉलिटी, इनवायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, पंजाब हिस्ट्री, रीजनिंग, इंग्लिश। सो जेडे भी स्टूडेंट्स ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया जरूर करो, तो बैल आइकन नू क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोनू मिलती रहे। तुसी साड़ी ऑफिशियल वैबसाइट www.mehnatibachche.com भी विजिट कर सकते हो, तो थोनू काफ़ी चीज़ा मिल जाएगियाँ। ओके सो थैंक यू सो मच अज की वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच, हैव अ नाइस डे।